चलते हैं बाजार। मैं तो यही डाल दूंगी। हाँ, इस पे मोटापा इतना छा रहा है कि बीमार हो रही है। गाइस, मेरी बहन ने अभी मुझको कलचौड़े चाय दिया पीने के लिए, और ये देखिए यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। डायरेक्ट सनलाइट यहाँ से आ रही है और सीधे मेरे पीठ पे वार करी जा रही है। और ये मंदिरी ये बोलती थी मुझे फोन में कि मैं योगा कर रही हूँ, पर मुझे अभी तक तो दिखी नहीं है योगा करती हुई। आज लेट हो गई। बारा सुनो मारा, आज लेट हो गई है इसको। और उधर कमरे में भाई सो रहा है और पता नहीं चल रहा उसने ऑफिस जाना है या घर जा चुकी है। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ, तो अब बारी है नाश्ता करने की। तो चलिए देखते हैं नाश्ते में क्या है, और नाश्ता अगर बनाना है तो क्या बनाना है, क्योंकि मेरी दीदी ऑफिस चली गई, सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनता है। तो दीदी और भाई के लिए अलग अलग नाश्ता बनाया, उनको नाश्ता मिल चुका है। अब बारी है मम्मी और मेरी, केवल मम्मी और मैं ही बचे नाश्ता करने के लिए। तो अभी हम किचन में जाते हैं और देखते हैं। तो अभी मैं हूँ किचन में, और यहाँ पे रखे हुए उबले हुए आलू। तो मैं सोच रही हूँ अभी आलू के छोले ही बनाते हैं, और मैं और मम्मी आलू के छोले ही खाते हैं। तो अब मैं आलू के छोले बनाती हूँ, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो ये टेस्टी आलू के छोले बन चुके हैं। अब बारी है रोटी बनाने की, और अब मैं बनाती हूँ फटाफट रोटी, और फिर मम्मी और मैं खाना खा लेंगे। ये गाय के लिए रोटी, ये आ रही है वहाँ से गाय, ले। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, और ये है छोले, और ये घी लगी हुई है, मतलब घी डाली हुई है, ये रोटी, और ये हम पियेंगे इतनी सारी चाय। ये मम्मी की है और ये मेरी है। तो अब पहले नाश्ता कर लेते हैं। काम वैसे सारा हो ही गया हमारा, तो अभी मैं थोड़ा सा बाहर पे आई थी तो वो मुझे दिखा ये पार्सल, और इसमें मोहित का नाम लिखा है, तो ये मोहित का ही पार्सल है। तो मैं सोच रही हूँ उसको खोल देती हूँ, वैसे खोलना तो नहीं चाहिए पर खोल देती हूँ, देखती हूँ क्या है इसमें, देखते हैं उसे खोल कर। मोहित गुस्सा तो करेगा क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है उसकी चीज़ें खोले। अपन तो खोलेगा रे बाबा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्या है ये? मुझे तो लगा पता नहीं क्या होगा, दिखा के आती हूँ उसको। मम्मी फोन में बात कर रही थी, और मैंने सुना कि मम्मी कह रही थी हम बाजार जा रहे हैं, तो मैं पहले से ही तैयार हो जाती, क्योंकि बाजार जाना है, मम्मी अकेली तो जाएगी नहीं, मैं और मोहित, मोहित नहीं तो मैं तो जाऊँगी मम्मी के साथ, तो मैं पहले तैयार हो जाती हूँ। तो मम्मी और मैं तैयार हो चुके हैं, हम अपने भाई का वेट कर रहे हैं, वो आएगा हमको लेने के लिए 10-15 मिनट में, और जैसे ही वो आएगा हम उसके साथ चले जाएंगे। वैसे उसने हमें काफ़ी टाइम से रुका रखा है, हम बहुत पहले तैयार हो गए थे, तो अब हम बस उसका वेट कर रहे हैं और हम चलते हैं बाजार। आधा एक घंटा इंतज़ार कराने के बाद मोहित आ ही गया है, और अब हम जा रहे हैं बाजार। आओ मम्मी, चलो चले। ये है गाड़ी, और हम जा रहे हैं बोराड़ी, है ना माँ? तो मंदिर ने मुझे बोला था बैंक में आना कि मेरे काम है कुछ, तो मैं मंदिर के साथ जा रही हूँ। मंदिर ATM से दे रहे हैं।
तो जो भी जरूरी काम था वो हमने निपटा दिया है और अभी हम घर ही जा रहे हैं। और मोहित ने अपनी बाइक दी है मैकेनिक के पास, वो उधर गया है और मम्मी और मैं गाड़ी में ही बैठे हैं। यहाँ अभी गर्मी हो ही रही है थोड़ा बहुत। इंसान के प्राण को कहीं भी चैन नहीं है, जब ज़्यादा गर्मी हो जाए तो दिक्कत, ज़्यादा ठंड हो जाए तो दिक्कत। जैसे रात को यहाँ बहुत ठंड हो रही थी तो फिर मैंने कहा यार गर्मी ठीक है, और जब वहाँ गर्मी होती है तो मेरे को लगता है यार ठंडा ही ठीक है, टीवी चलते हैं। तो अब हम घर जा रहे हैं अपना काम निपटा के। भूख लग रही है मम्मी आपको? मम्मी ने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें भी ली है। अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं और अब हम करेंगे आराम क्योंकि थक लग गई है बहुत। किसका फोन आ रहा? हाँ, करना मैं डाल दूंगी। हाँ अभी हमारा डिनर, अभी तो नहीं तो दोपहर टाइम। क्यों मम्मी रात को सोते टाइम है? हाँ मम्मी ने दवाई, हमने डिनर कर लिया है और अभी मैं पी रही हूँ दूध। आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया। और मेरी मम्मी ने मुझे बोला था तू दूध गिरा देगी, इसलिए इधर से दूध और वही हुआ है और दूध गिर गया है। क्योंकि ये मेरी खासियत है बचपन से, अगर मेरे हाथ में और मैं बिस्तर में बैठी और मेरे पास दूध है तो उसकी टोटकी उतारनी हो ही जाती है और वो टोटकी उतारनी उलट पलट। तो मेरे जो मेरे गढ़वाली दोस्त है वो समझ रहे होंगे टोटकी उतारनी का मतलब, और जो नहीं समझ रहे उसका मतलब ये है कि दूध हाथ से कप से गिर जाना और कपड़ों में गिर जाना या बिस्तर में गिर जाना। और ये इस पे मोटापा इतना छा रहा है कि बीमार हो रही है और ये दवाइयां पे दवाइयां ही खाने में लगी हुई है। तो कमेंट नीचे कमेंट करके प्लीज इसकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करें ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए और पतली हो जाए। और बस ये प्रार्थना करके ही पतली हो सकती है क्योंकि योगा तो ये करनी थी पतला होने के लिए, इसलिए बस हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ये पतली हो जाए। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।